टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 9वीं जीत दर्ज की है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने लीग राउंड के अंतिम मैच में रविवार को नीदरलैंड्स पर 160 रन से बड़ी जीत दर्ज की। लगातार 9 मैच जीतने के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड 15 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ेंगे। रोहित शर्मा पहली बार वनडे वर्ल्ड कप में कप्तान के तौर पर उतरे और पहली बार में ही रोहित ने एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड बना दिया। पहली बार कोई भारतीय कप्तान 500 रन तक पहुंचा है और उन्होंने इस मामले में सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा है। रोहित नीदरलैंड्स के खिलाफ 54 गेंद पर 61 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इससे पहले गांगुली ने 2003 वर्ल्ड कप में 11 मैच में 58 की औसत से 465 रन बनाए थे। इस दौरान गांगुली ने 3 शतक भी जड़े थे। 2003 में टीम इंडिया फाइनल में जगह बनाने में सफल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को हार मिली थी। वहीं अब रोहित शर्मा ने मौजूदा वर्ल्ड कप में अब तक 9 पारियों में 56 की औसत से 503 रन बना लिए हैं, जिसमें रोहित ने 1 शतक और 3 अर्धशतक जड़ा है। उनका स्ट्राइक रेट भी लाजवाब 121 का है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में 14,000 रन पूरे कर लिए। रोहित ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ही ऐसा कर चुके हैं। सहवाग ने 321 मैचों में 42 की औसत से 15,758 रन बनाए, जबकि सचिन ने 346 मैच में 48 की औसत से 15,335 रन बनाए हैं। अब रोहित शर्मा ने 312 मैचों में 14,049 रन बना लिए, जिसमें 40 शतक और 72 अर्धशतक शामिल है। रोहित शर्मा ने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक और खास रिकॉर्ड बनाया है। रोहित ने अपनी अर्धशतकीय पारी में 2 छक्के लगाए। इसी के साथ वो एक साल में वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बैट्समैन बन गए हैं। इस साल यानी 2023 में अब तक रोहित शर्मा 60 छक्के लगा चुके हैं। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ दिया है। डिविलियर्स ने 2015 में सबसे ज्यादा 58 छक्के मारे थे। साथ ही पहली बार कोई भारतीय बल्लेबाज 50 छक्के तक पहुंचा है। इससे पहले रोहित शर्मा ने 2017 में 47 छक्के लगाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप इतिहास में 2 बार 500 से अधिक रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय हैं। वहीं रोहित शर्मा लगातार 2 सीजन में 500 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। रोहित ने 2019 वर्ल्ड कप में 648 रन बनाए थे, जबकि इस बार भी रोहित शर्मा 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने 1996 और 2003 में 2 बार 500 से अधिक रन बनाए थे। रोहित शर्मा बतौर कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे अधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। वो 2023 में अब तक 24 छक्के लगा चुके हैं। इससे पहले 2019 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान इंग्लैंड के केवन मॉर्गन ने सबसे अधिक 22 छक्के मारे थे और तब इंग्लिश टीम चैंपियन बनी थी।